हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्सल होने वाला है अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन से मैंने मंगवाया है ये कुकवेयर सेट। ये है विनोद कंपनी का। विनोद का मैंने इसके पहले एक कढ़ाई मंगवाई थी, सिंगल कढ़ाई थी, वो काफ़ी अच्छी थी और वो नॉनस्टिक ही थी। तो मैंने सोचा कि इसका पूरा कॉम्बो मंगवा कर देखती हूँ कैसा होता है। फिलहाल ये कॉम्बो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने इसे यूज़ भी किया, काफ़ी अच्छा था ये। तो ये देखिए, ये मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ है और काफ़ी बड़ा इसका बॉक्स था, अच्छा था। और आप देखिए, इसमें मुझे चार चीज़ें रिसीव हुई हैं। इसमें मुझे एक डोसा तवा मिला है, एक फ्राई पैन है और एक छोटा सा फ्राई पैन है और एक कढ़ाई है, जो कि मुझे अच्छी लगी। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए, इसका बॉक्स कुछ इस तरह से था, मैंने इसे खोल लिया था पहले ही। और ये देखिए, इसमें मुझे ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे ये मिला। और इसमें देखिए, ये इसकी लिड है, ये एक कढ़ाई की लिड है और एक ये जो आपका फ्राइंग पैन है उसकी लिड है। और कांच की है ये लिड, काफ़ी हैवी मतलब है, इसका वजन भी है काफ़ी, लेकिन अच्छा है। और ये देखिए, ये देखिए कढ़ाई छोटी नहीं है, कढ़ाई बहुत अच्छी है इसकी। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 5-6 लोगों के लिए सब्जी आराम से बना सकते हो। और ये देखिए, ये है इसका फ्राइंग पैन, बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है इंडक्शन बेस्ड है, आप इसको इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हो, चाहे इसका तवा है चाहे इसकी कढ़ाई है। और ये जो है गैस पर भी चलेगा, इंडक्शन पे भी चलेगा। तो आजकल सबके घर में इंडक्शन होता है और हम लोग खुद ही ऐसा बर्तन ढूंढते हैं जो इंडक्शन बेस्ड हो, तो ये सबसे अच्छी बात रही है इसकी। और इसमें मैं आपको बता, और इसमें मुझे देखिए ये एक स्पैटुला फ्री मिला है, अच्छा है स्पैटुला, ठीक है, मतलब यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो फ्राई पैन है छोटा वाला, उस वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो कढ़ाई है, कढ़ाई 28 सेंटीमीटर है और उसका लिड 22 सेंटीमीटर है, यानी 2 लीटर की आपको ये कढ़ाई मिलती है, अच्छी है मतलब अच्छा है। ये देखिए, कढ़ाई इसकी गहरी है, काफ़ी अच्छी है और ये नॉनस्टिक है, मजबूत भी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए, ये है आपका फ्राइंग पैन, इसमें आप केक बना सकते हो। वैसे तो मैंने तो इसमें केक ही बनाया, अच्छा बना, बिल्कुल भी चिपका नहीं। तो इसमें आप केक बना सकते हो, कोई भी सब्जियाँ आप सॉटे कर सकते हो इसमें, और अच्छा है। पीछे से भी देखिए कितना ही अच्छा है, ये अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए, ये इसकी लिड मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, काफ़ी हैवी है। और हाँ, थोड़ा सा इसको संभाल के हम लोगों को रखना उठाना पड़ेगा कि टूटे ना, बाकी अच्छा है ये। ये देखिए, इसकी लिड काफ़ी अच्छी है और भारी भी है। तो कढ़ाई के साथ में जो मिली हुई है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, कढ़ाई की जो लिड है ये काफ़ी अच्छी है और अच्छा लगा मुझे ये, मतलब ख़रीद के मैंने इसके इसमें सब्जी बनाकर देखा, अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए, ये छोटा वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था, हम लोग घर में दाल छौंकते हैं, दाल में तड़का देते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये है हमारा डोसा तवा। डोसा तवा हम लोगों को चाहिए होता है ऐसा, जिसमें डोसा बिल्कुल भी चिपके ना और ख़राब ना हो। ऑल ओवर ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसमें चार चीज़ें हैं, अच्छा लगा मुझे काफ़ी, ये देखिए, और अच्छा है काफ़ी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।